झारखंड के गांवों की कहानियां। एक ऐसा गांव है मठाया, जहां 199 एकड़ जमीन पर मकान तो छोड़िए झोपड़ी तक नहीं। एक एक इंच की जमीन के लिए लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। जमीन विवाद को लेकर अक्सर बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन झारखंड के देवघर से मात्र 15 किलोमीटर दूर एक गांव मठाया, जहां 199 एकड़ जमीन रहने के बावजूद पूरे गांव में एक मकान तक नहीं है। कोई इस जमीन पर मकान की नींव तक नहीं खोदना चाहता। मोहनपुर प्रखंड के कटवन पंचायत स्थित मठाया गांव में कोई आबादी नहीं है। लोग केवल जमीन पर खेती करते हैं। अंधविश्वास ये है कि यहाँ के मकान की नींव डालने पर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। यही वजह है कि ये इलाका वीरान है। देवघर के मठाया गांव में कुल 199 एकड़ जमीन वीरान पड़ी है। इस गांव की जमीन के मालिक पड़ोस में कटवन गांव में अपने पैतृक जमीन पर रहते हैं, लेकिन रोड के उस पार मात्र 15 फीट दूर मठाया गांव में कोई गाय का खटाल तक बजाने को तैयार नहीं है। इसके पीछे अंधविश्वास है। गांव वालों के अनुसार मठाया गांव में उनके पूर्वजों से ही कोई मकान नहीं बनाता है। कहा जाता है कि अगर यहाँ मकान की नींव भी डालते हैं तो उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के इस भय अंधविश्वास के कारण इस गांव में कोई झोपड़ी तक बनाने को तैयार नहीं है। हालांकि घर बनाने के बाद उनके पूर्वज में किसकी मृत्यु हुई या भी गांव वालों को पता नहीं है, लेकिन वर्षों से चले आ रहे इस अंधविश्वास और भय के कारण लोग इसके बाहर नहीं निकल पाए। मठाया गांव के कई जमीन मालिकों को सरकार से प्रधानमंत्री आवास की भी स्वीकृति हुआ, लेकिन वे लोग कम जमीन होने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास में ही नहीं बना पा रहे हैं। मठाया में पर्याप्त जमीन होने के बावजूद घनी आबादी में ही रहने को तैयार हैं, लेकिन मात्र 15 फीट दूर मठाया गांव में घर नहीं बनाना चाहते। हालांकि इस गांव में 199 एकड़ जमीन पर वे सालों भर खेती जरूर करते हैं। बड़ा तालाब में सिंचाई की सुविधा होने की वजह से सालों भर धान, गेहूं और सब्जी की खेती होती है। शाम होने से पहले सभी किसान खेतों को खाली कर वापस अपने बगल के गांव कटवन लौट आते हैं। कोई यहां रात में नहीं रुकता है। कटवन पंचायत के पूर्व पंचायत प्रधान हिमांशु शेखर यादव ने कहा कि मठाया में अब तक किसी के द्वारा मकान नहीं बनाना केवल और केवल अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए पंचायत जल्द पहल करने जा रही है। इस गांव के जिन मालिकों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, उनके आवास का निर्माण मठाया गांव में ही शुरू कराया जाएगा। अन्य लोगों को भी अपने अपने निजी आवास यहां बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जी हां, इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।